भोजपुर के पुराने मंदिरों में से एक मंदिर की कहानी आज आपको हम बताने जा रहे हैं। हम जहां पर मौजूद हैं ये बिहियां के महतिन शिरोमणि महतिन माई के नाम से जाना जाता है और इनको तकरीबन 3,500 वर्ष पूर्व से पूजा किया जाता आ रहा है। इनका चमत्कारी इतिहास बहुत सारा रहा है जो आज भी स्थानीय लोग बताते हैं, स्थानीय जो बुजुर्ग हैं मंदिर के पुजारी हैं उनके जानकारी में है। कहा जाता है कि एक बहुत ही दुष्ट राजा हुआ करता था और जो भी यहाँ से डोली नई नवेली दुल्हन की पार होती थी तो वो उसको रोक लेता था और उनके साथ गलत व्यवहार करता था। उसी समय एक माँ की ये महतिन माई का डोली भी यहाँ से गुजर रहा था और उसको भी राजा के द्वारा रोका जा गया, जिसके बाद ये माँ उसी समय सती हो गई और उनके जितने भी सैनिक थे वो भी सारे लोग जलकर खाक हो गए और वो राजा का वहीं पर नरसंहार अंत हो गया। और उसी समय से यहाँ पर माँ महतिन माई की पूजा की जाती आ रही है। महतिन माई के प्राचीन इतिहास से जिस समय बिहियां में गंगा नदी बहती थी उस समय राजा रणपाल का राज्य था। उस राजा का डोला रोकने का प्रथा था। माँ का गांव हल्दी सिकरिया हुआ, श्रीधर चौबे की बेटी थी ब्राह्मण की और इनका शादी तुलसी हरि गांव हुआ था। इनका डोला इस राह से जा रहा था, यहाँ राजा रणपाल के दूत लोग राजा के माता के डोला को रोके लोग। तो माता के साथे जो कहार लोग थे जो व्यक्ति थे वो बोले कि ब्राह्मण की बेटी है इनकी डोला नहीं रुकेगी। तो दूत बोला कि हम भाई राजा का आदेश का उल्लंघन होगा तो डोला को रोकेंगे बरियारे। तो माता डोला को रुकवा कर और आवेश में अपने बाहर निकल कर आसन लगाई और अपने भगवान को याद की तो इनके अंगूठा से अग्नि पैदा हुआ, उसमें धधध जलने लगी, हाकार मच गया, चारों जवार जुट गया। दूत तो दौड़े हुए राजा के पास गए, राजा भी दौड़े हुए आया, माता से हाथ जोड़कर विनती करने लगा। माँ बोली कि तुम्हारे अत्याचार के चलते इस शरीर को मैं तज रही हूँ, इसलिए तुम्हारा वंश सही से नाश हो जाएगा। कुछ ही दिन बाद दूसरा राजा उस पर चढ़ाई करके तोप से मारा, गढ़ गर्द हो गया। आज भी बिहियां गढ़ी के नाम से उत्तर साइड में है काली स्थान के पास, वहाँ खुदाई करने पर काला काला सामान मिलता है और वो सामान अगर कोई घर ले जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। हम माता का उसी समय से पिंड के रूप में पूजा होने लगा। कालांतर में जब रेलवे लाइन बिछा तो माँ के ऊपर ही लाइन बिछा दिया लोग, तो रात में लाइन तिरछा हो गया। दूसरे रात इंजीनियर आया तो देखा कि तिरछा लाइन है, फिर उसको सीधा किया। तो रात में माँ उसको स्वप्न दी कि जैसे लाइन जा रहा है उसे जाओ, ये मेरा महतिन माँ का स्थान है, मेरे स्थान को छोड़ दो। तो लाइन फिर तिरछा माँ ने ही कर दी, तो उसी तरह तिरछा लाइन गया। अंग्रेज अपने इतिहास में रेलवे में लिखा कि माँ का यहाँ सती का स्थान है, जिस स्थान को छोड़ दिया। मेरे समझ में यही देखते हैं कि बिहियां में जितने भी लोग आए माँ के प्रति जिन्हें श्रद्धा जो व्यक्त किया, माँ के चरणों में जो अपने आप को समर्पित किया, उनकी दिन दुना रात चौगुनी तरक्की हुई। ये मेरे भी नज़र में है कि माँ के प्रति जो है वफादारी या श्रद्धा रखने वाले को माँ जरूर निश्चित जो है उसकी श्रद्धा पूरा करती है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, यहाँ पर इतिहास है, सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, हम लोग तो भाई देखे नहीं हैं, सुने हैं, बहुत सारे बुजुर्ग मेरे साथ मैंने यह बिहियां के लोग बताते हैं कि यहाँ जो है माँ का जो है रणपाल जो राजा था, बात वही जो है दुष्ट राजा था, किसी की डोला जो है जा रही थी रास्ते में उस रास्ते से तो रोकता था, उसके साथ दुराचार करता था, एक रात्र डोला अपने यहाँ रखता था। लेकिन माँ का जो है सिकरिया से जब डोली आ रही थी तुलसी हरि गांव के लिए तो रोका था, तो माँ सती वहीं पर सती हो गई अपने तप से। सती होने के बाद उसी समय से माँ का जो है वहाँ से पूजा पाठ जो है लोग शुरू कर दिया। उसके अलावे भी कई चमत्कार यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि मंदिर के पास से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वो रेलवे लाइन अपने आप तिरछा हो जाता था। आज भी यहाँ का जो रेलवे लाइन समीप से गुजरा हुआ है वो पूरी तरीके से तिरछा है, जो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मंदिर का जितना ख्याति है उसके अनुरूप यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कई वर्षों से मांग है कि इस मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि इस माँ की महानता यहाँ पर बहुत है। इसके अलावे भी कई विशेषताएं हैं, यहाँ पर शादी विवाह के मौसम में हर दिन लगभग 50 शादियां होती हैं, मात्र 1500 रुपया के न्यूनतम चार्ज पर यहाँ पर शादी कराई जाती है और 50 से 60 विवाह हर दिन यहाँ पर कराए जा रहे हैं।
आज भी लोगों का एक ही कहना है कि मंदिर का इतना माँ का यहाँ का महानता है, उसके अनुरूप यहाँ का जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो इस पर विशेष ध्यान दे और माँ के मंदिर को एक तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।